प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं जितेंद्र कुमार गखड़, कंप्यूटर अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल सोडी नगर फिरोजपुर तो तुहाडा अज दे लैक्चर दे विच स्वागत करदा हां। अज दा लैक्चर एमएस एक्सेल भाग एक दा दूसरा लैक्चर है। पिछले लैक्चर दे विच आपां कुछ टॉपिक कवर किए सीगे एमएस एक्सेल दे उपर। अज उस तो अगे आपां कंटिन्यू करांगे। अज दे जो आपां टॉपिक डिस्कस करने ओ हैगे है सेल ग्रुप दे उपर। बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि आम तौर पर आप जो आप एक्सेल काम करते हैं आपां नूं सैलां दे उत्ते ही काम करना पैंदा। बेसिकली सैलां नूं डिलीट करना, दाखिल करना, कोई नवा कालम दाखिल करना, कोई नवा रो दाखिल करनी या कोई गल नूं डिलीट करना, यह सारे आम रूटीन के काम ने जो कि आप एक्सेल दे विच करते हैं। इस लैक्चर दे विच आपां इस सारे कामां नूं, इन्हां सारे कामां नूं बड़े ही डिटेल दे विच डिस्कस करांगे, जिवें कि नवा सैल किवें बनाना है, नवी रो या नवा कालम किवें दाखिल करना है, किसे सैल रो या कालम नूं डिलीट किवें करना है, इस तो बाद एक नवी वर्कशीट नूं दाखिल किवें करना है या नवी वर्कशीट नूं या पहले तो बनी हुई एक वर्कशीट नूं डिलीट किवें करना है, या तुसीं रो या कालम की ऊंचाई और चौड़ाई नूं किस तरीके नाल बदल सकते हो ताकि जो आपां डाटा इन्हां सैलां दे विच भरिया होया है वह सही तरीके दे नाल उन्हां रो या कालम दे विच प्रोपर तरीके नाल नजर आ सक। आओ देखते हैं पहले सैल हुंदा की है। पहले रो अते कालम दे काट खेतर नूं सैल कहा जाता है। आपां नूं पता है, आपां एक्सेल दा काफी काम कर चुके हैं, ये आम बच्चे हुण तुहानूं सभ नूं पता होगा कि सैल की हुंदा है। रो अते कालम दे काट खेतर नूं की कहा जाता है, सैल कहा जाता है। जेकर असीं अपनी मौजूदा वर्कशीट विच नवा डाटा दाखिल करना चाहते हाँ तो सानू उस अनुसार नवे खाली सैलां की जरूरत पैंदी है। असीं वर्कशीट विच नवे सैल कालम अते रो दाखिल कर सकते हाँ। आओ देखिए इन्हां नूं आपां किवें कर सकते हैं। सब तो पहले देखते हाँ कि नवा सैल रो या कालम दाखिल करने जो तरीके ने वो किहड़े किहड़े ने। पहला तरीका अपने को हैगा है इनसर्ट ऑप्शन की मदद नाल, या इनसर्ट ऑप्शन की चोन करके। दूसरा अपने को हैगा है शॉर्टकट तरीका, यानी कि माउस की वरतों करते हुए सैलों उत्ते राइट क्लिक करके तुसीं किस तरीके नाल नवा सैल रो या कालम दाखिल कर सकते हो। सब तो पहले इस दे जो पड़ा ने, जो पहला तरीका है अपने कोल इनसर्ट ऑप्शन की चोन करके, उस दे विच तुसीं एक एक्सेल की शीट तैयार करनी है जिंदे विच चित्र अनुसार तुसीं डाटा दाखिल कर लेना। इस दे विच खास ध्यान रखना बच्चो कि मैं जिहड़े विषय के अंक भरे ने आ तुसीं नजर आ रहे होंगे तुहानू, इहदे विच मैं लास्ट वाला जिहड़ा सैल है आ वाला सैल जिहड़ा है ये मैं खाली रखिया है। ये खाली मैं क्यों रखिया है, क्योंकि मैं आ पहले नौ सैलां नूं शिफ्ट करके थले लैके जावांगा ते पहले सैल की जगह एक खाली सैल क्रिएट करांगा ताकि जो मैं उहदे विच नवां दाखल कर सकां। आओ देखिए इसनूं किवें करना है। सब तो पहले होम सैल दे होम टैब दे सैल ग्रुप विचों आपने कोल होम टैब है, इस दे विच अपने कोल आ जिहड़ा ग्रुप हैगा इस दे पिछे जो अपने कोल नजर आएगा वह की हैगा है सैल ग्रुप। इस दे विच बेटा तुसीं इनसर्ट ऑप्शन ते क्लिक करना है। जिवें ही तुसीं इनसर्ट ऑप्शन ते क्लिक करोगे तुहाडे कोल सामने चित्र अनुसार ऑप्शनस नजर आणगियां, इनसर्ट सैल्स, इनसर्ट शीटस, इनसर्ट कालम। लेकिन हले आपां इस एग्जाम्पल दे विच सैल दाखिल कर रहे हैं, इसलिए आपां किस ऑप्शन की चोन करांगे, इनसर्ट सैल्स ते क्लिक करांगे। जिवें ही तुसीं इस ऑप्शन ते क्लिक करोगे इनसर्ट डायलॉग बाक्स खुल जाएगा। इनसर्ट डायलॉग बॉक्स के विच तुहानू चार ऑप्शन नजर आएंगे, एक दो तीन ते चार। ये चार ऑप्शन कादे लई ने, किस काम दे लई ने, वो आपां अगले स्टेप्स विच देखांगे। पर जो डिफॉल्ट ऑप्शन है इहदे विच वो हैगी है शिफ्ट सैल डाउन दी। जदों भी तुसीं एक नवा सैल दाखिल करते हो तो बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन चुनी आती हैगी है। इहदा मतलब की है कि जो तुसीं सैल जिथे दाखिल करना है उस तो बाकी सैल उसके हेठां चले जाएंगे तो उस जगह पर एक नवा सैल क्रिएट हो जाएगा। जिवें ही तुसी ओके ते क्रिएट करोगे तुसी देखोगे कि बाकी सारे सैल नीचे शिफ्ट हो गए ने ते आ अपने कोल एक नवा खाली सैल क्रिएट हो गया है जिस दे विच असीं अपनी जरूरत के अनुसार डाटा दाखिल कर सकते हैं। इस केड़ी ऑप्शन दे नाल होया है शिफ्ट सैल्स डाउन दे नाल। आओ आपां देखिए चारे ऑप्शन ये केड़ियां केड़ियां ने।
इंसर्ट डायलॉग बॉक्स के विच अपने को चार ऑप्शन ने। पहली ऑप्शन हैगी है शिफ्ट सेल राइट। नाम तो ही क्लियर है कि जो आप इस ऑप्शन की चोन करके ओके बटन से क्लिक करांगे तो जिन्हें भी अपने सैल ने सज्जे पासे मूव हो जाएंगे तो अपने को नवा सैल क्रिएट हो जाएगा जिथे असी अपना डाटा दाखिल कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन शिफ्ट सैल डाउन जो कि आप अपने उदाहरण वरती है। इस होंदा है कि सैल हेठां वल मूव कर जाएंगे तो एक नवा सैल उत्थे क्रिएट हो जाएगा। इस तो बाद एंटायर रो की करती है कि तुसी एक पूरी की पूरी लड़ी सैलां की एक लड़ी एक रो नूं इंसर्ट करना चाहते हो तो तुसी इस ऑप्शन की चोन कर सकते हो। तो जे तुसी पूरे कॉलम नूं दाखिल करना चाहते हो तो तुसी एंटायर कॉलम ऑप्शन की चोन करके ओके ते क्लिक करके एक नवा कॉलम भी दाखिल कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट तरीके दे विच की है कि तुसी वर्कशीट विच नवा कॉलम या नवी रो दाखिल करन दे लई कॉलम दे किसी भी लैटर से यानी कि किसी भी कॉलम के उत्ते आपां नूं पता है कि कॉलम लैटर नूं रिप्रजेंट करते हैं ए बी सी डी आदि नावां नाल, या किसी रो के उपर रो आपां नूं पता है कि आपां नंबर के नाल रिप्रजेंट करते हैं एक दो तीन आदि, ते राइट क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा जिस दे विच इंसर्ट शीट रो जां इंसर्ट शीट कॉलम की चोन करनी पड़ेगी। जिवें ही तुसी इन्हां दोवां ऑप्शन चों एक ऑप्शन चूज करोगे, जे तुसी रो ऑप्शन चूज करोगे तो नवी रो दाखिल हो जाएगी, जे तुसी कॉलम दाखिल करना चाहते हो तो तुसी इंसर्ट शीट कॉलम की चोन करोगे। ये ध्यान रखने योग है कि पूरा कॉलम या पूरी रो इंसर्ट करने नाल केवल नजर आ रहे डाटे ते ही नहीं बल्कि पूरी वर्कशीट ते असर पैंदा है क्योंकि तुहाडा पूरा दा पूरा डाटा ही अगे शिफ्ट हो जाता या हेठां नूं शिफ्ट हो जाता है। इस दे नाल तुहाडे लगाए हुए फॉर्मूले भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए जो भी नवी रो दाखिल करनी है या नवा कॉलम दाखिल करना है तो बड़े ध्यान नाल करना है क्योंकि इस दे नाल अपने पूरे बाकी सैलां ते भी प्रभाव पैंदा है। आओ देखिए कैसे करना है। आ तुसी डाटा पिछली एग्जाम्पल दे विच भी देखिया सी आपां ऐड कीता सी, तुसी की करना है उस कॉलम नूं या तां उस लैटर ते सिलेक्ट कर लेना है। आपां इत्थे की करन जा रहे एक नवा कॉलम दाखिल करन जा रहे हां, तुसी उस कॉलम दे लैटर नूं सिलेक्ट कर लेना, इस नाल की होएगा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इस तों बाद तुसी इहदे ते की करना है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करन नाल एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, उस विचों तुसी इनसर्ट ऑप्शन की चोन करनी है। जिवें ही तुसी इस इनसर्ट ऑप्शन ते क्लिक करोगे तुसी देखोगे तुहाडे कॉलम दे खब्बे पासे एक नवा कॉलम दाखिल हो गया है। इस विच तुसी आपकी जरूरत अनुसार डाटा दाखिल कर सकते हो, जो तुहानू जरूरत है वो तुसी इहदे विच चेंजेस कर सकते हो। हुण देखते हैं बेटा सैल कॉलम या रो नूं तुसी डिलीट किवें करना है। कई बार आपां नूं लोड पैंदी है कि कोई कॉलम रिक्वायर्ड नहीं हुंदा, असी उस कॉलम नूं डिलीट करना हुंदा है, या कई बार आपां नूं एक रो नूं ही पूरा डिलीट करना पैंदा है कि वह पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाए, या कई बार आपां नूं एक सैल नूं भी डिलीट करना पैंदा है। वह सारा ऑप्शन अपने को किस तरीके नाल करनी है किवें करना है वह सारा कुछ आपां इस टॉपिक दे विच समझांगे। जेकर सानूं किसे सैल रो जां कॉलम की लोड नहीं है तो असी इसनों आसानी नाल डिलीट कर सकते हैं। असी एक सैल रेंज नूं इस दे डाटे अते फॉर्मेटिंग समेत डिलीट कर सकते हैं। देखो डाटा भी डिलीट होएगा ते उस दे नाल संबंधित उसकी फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो जाएगी। जो असी एक सैल नूं डिलीट करते हाँ तो एक्सेल नूं डिलीट हुई एंट्री करन बारे जो गैप बनता है उसनों भरन दे लई डाटे नूं की करना पैंदा है, शिफ्ट करना पैंदा है। यह डिपेंड करेगा कि आप डाटा किस तरीके नाल डिलीट कर रहे हैं, वो अगे आप देखांगे कि जिहड़ा गैप है वह किस तरीके नाल फिल करना है, वो अगली स्लाइड दे विच आपां नूं चंगी तरह क्लीयर होएगा। सैल या रो या कॉलम नूं डिलीट किवें करना है, डिलीट सैल्स ऑप्शन दे नाल या आपां शॉर्टकट तरीका जिस तरीके नाल आपां नवी शीट या नवे कॉलम या नवी रो इनसर्ट कीती सी उसे तरीके नाल शॉर्टकट तरीका वरत के आपां कॉलम रो या सैल नूं डिलीट भी कर सकते हैं। आओ देखिए आपां इन्हां नूं किवें करना है। दो तरीके दसे आपां, डिलीट सैल्स ऑप्शन नाल या शॉर्टकट तरीका। पहले आपां देखते हैं डिलीट सैल ऑप्शन की चोन करके। सब तो पहले तुसी चित्र अनुसार डाटा दाखिल कर लेना है। इस दे विच मैं कुछ बच्चों के रोल नंबर, नाम, उन्होंने क्लास, सैक्शन, कुछ विषयों के अंक दाखिल किए हैं। तुसी इस दे अकॉर्डिंग अपना जो भी तुहानू एक्सेल का डाटा तुसी दाखिल करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो तुसी एज इट इज ही दाखिल करके भी ये सारे स्टैप्स नूं फॉलो कर सकते हो। सब तो पहले तुसी जिस सैल नूं डिलीट करना चाहते हो या कॉलम नूं डिलीट करना चाहते हो तुसी उस रो या कॉलम दे किसी भी सैल ते सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद ही अपना सारा प्रोसैस स्टार्ट होना है। यह ध्यान रखना मैं इस उदाहरण के सिर्फ एक सैल न डिलीट कर जा रहा। स्टैप की करने है बेटा, होम टैब के कितने जाना है, सैल्स ग्रुप के डिलीट ऑप्शन की चोन करनी है। एक ड्रॉपडाउन खोलेगा, तुसी उस दे विच डिलीट सेल ऑप्शन ते क्लिक करना है। जिवें ही तुसी इस ते क्लिक करोगे तुहाडे सामने एक डिलीट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इहदे विच अगेन तुहाडे कोल चार ऑप्शन होएगी। आपां अगे डिस्कस किया सीगा कि जदों एक्सेल किसी सैल नूं डिलीट करता है या कॉलम नूं डिलीट करता है तो उस खाली जगह नूं, उस खाली गैप नूं भरन दे लई अपने कोल कुछ ऑप्शनस ने जिन्हां दे राहीं आपां उस गैप नूं भर सकते हैं। इस दे विच असीं एक ऑप्शन की चोन करांगे, वह कहड़ी हैगी है शिफ्ट सैल अप, जो कि है डिफॉल्ट ऑप्शन है जदों आपां कोई भी सैल डिलीट करते हैं। इस तों बाद ओके बटन ते क्लिक करांगे। जिवें ही ओके बटन ते क्लिक करांगे बच्चे तुसीं देखोगे जिहड़ा सैल आपां सिलैक्ट किया होया सी, जिहदे विच 48 टाइप किया होया सी, डिलीट हो गया। तो हेठां वाले सारे सैल उपर वल दी जगह नूं की हो गए, शिफ्ट हो गए ताकि वह गैप नूं भर सकन। जिहड़ियां हुण चार ऑप्शन आपां देखियां सी, आओ इन्हां बारे पढ़ लैंदे हां। शिफ्ट सैल लैफ्ट, नाम तो ही क्लियर है, ये ऑप्शन सैल सिलेक्शन नूं डिलीट करन लई बने हुए गैप नूं भरन लई सज्जे पासे दे लागले सैलां नूं खब्बे पासे वल शिफ्ट करती है। नाम ही वैसे क्लियर दस रहा है कि शिफ्ट सैल लैफ्ट, कि जिहड़े अपने कोल सैल डिलीट होया है उस गैप नूं भरन दे लई सज्जे पासे दे सैलां नूं आपां खब्बे वल नूं शिफ्ट करना है। दूसरी ऑप्शन आप उदाहरण के वरती है शिफ्ट सैल अप, कि जिहड़ा सैल डिलीट करांगे उसके हेठले सैलां नूं उपर वल नूं की करेगी, शिफ्ट करेगी। एंटायर उहदा मतलब की है कि अपनी पूरी की पूरी रो जो आप सैल सिलेक्ट किया होया उसकी पूरी की पूरी रो नूं की कर देगा, डिलीट कर देगा। एंटायर कालम की करेगा, जो जिस सैल से आप सिलेक्ट किया होया सी, जिहड़े सैल की चोन की हुई सी, उस पूरे के पूरे कालम नूं की कर देगा, डिलीट कर देंगे जिवें ही आप इस ओके बटन से क्लिक करांगे। हुण आपां शॉर्टकट तरीका भी देख लीए। शॉर्टकट तरीके दे नाल की हैगा है, तुसीं जिहड़े भी सैल कॉलम या रो नूं डिलीट करना चाहते हो उसके उपर माउस का राइट क्लिक करके एक तुहानूं डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, उसके विचों डिलीट रो या डिलीट कॉलम की चोन करके भी तुसीं उहनूं डिलीट कर सकते हो। एक वर्कशीट विचों पूरा कॉलम या रो डिलीट करने तो पहला यह स्पष्ट होना चाहिए है कि वर्कशीट की किसी रो या कॉलम में कोई बहुत जरूरी डाटा तो नहीं है, नहीं तो वह डाटा तुहाडा डिलीट हो जाएगा, कई बार वह बाद में रिकवर भी नहीं होता। आओ देखिए इहदे स्टैप, तुसीं जिहड़ा कॉलम नूं डिलीट करना चाहते हो उसनूं सिलैक्ट कर लो, चित्र दिखाया होया है, इसके उपर माउस का राइट क्लिक करो, तुहाडे सामने डिलीट ऑप्शन आएगी, इसकी चोन करो। जिवें तुसीं डिलीट ऑप्शन ते क्लिक करोगे तुहाडा चुनिया होया कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो सज्जे पासे वाले कॉलम खब्बे पासे नूं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह डिफॉल्ट ऑप्शन है, इसलिए सज्जे पासे वाले कॉलम की होंगे ने खब्बे पासे वाल नूं शिफ्ट हो जाते हैं। हुण आपां देखांगे असीं आपां अपनी एक्सेल की वर्कबुक के नवी वर्कशीट किवें दाखिल कर सकते हैं। इसके दो तरीके ने, इनसर्ट शीट ऑप्शन के नाल, दूसरा अपने कोल शॉर्टकट तरीका है। आओ आप पहला तरीका देखते हैं इंसर्ट ऑप्शन दे चोन करके। सब तो पहले होम टैब दे इंसर्ट ऑप्शन ते क्लिक करोगे, जिवें ही तुसी इस ऑप्शन ते क्लिक करोगे तुहाडे कोल लास्ट ऑप्शन तुहानू नजर आएगी इंसर्ट शीट। जिवें ही तुसी इस ऑप्शन ते क्लिक करोगे तुसी देखोगे तुहाडी वर्कबुक दे विच एक नवी वर्कशीट दाखिल हो जाएगी, तुसी उस दे विच अपना डाटा दाखिल कर पाओगे। दूसरा बेटा शॉर्टकट तरीका, कीबोर्ड के राही तुसी शिफ्ट जमा F11 कीज इकट्ठियां दबा के भी नवी वर्कशीट दाखिल कर सकते हो। असी एक्सेल वर्कबुक दे विच नजर आ रही वर्कशीटां दे डिफॉल्ट नंबर दी सैटिंग नूं भी बदल सकते हैं, तुसी उन्हां नूं रीनेम कर सकते हो, तुसी उन्हां दे टैब दे कलर भी बदल सकते हो। यह सिर्फ अपने ते डिपेंड करता है कि आपां नूं शीट की बाद चो जानकारी रहे कि कहड़ी शीट किस काम लई बनाई गई है, इसलिए आपां उन्हूं ये सारे काम उन्हां ते करते हाँ। तुसी माउस का खब्बा बटन दबाते हुए निर्धारित थां तक ड्रैग करके उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो कि कहड़ी शीट नूं कहड़े क्रम च रखना है, किस कहड़ी शीट नूं पहले नंबर च रखना है, कहड़ी शीट नूं दूसरे नंबर च रखना है, यह सारा काम तुसी माउस की मदद नाल कर सकते हो।
आओ आप हम देखिए वर्कशीट नू डिलीट करना। इसके भी दो तरीके ने, डिलीट शीट ऑप्शन की चोन करके, तो दूसरा अपने को एक शॉर्टकट तरीका है। पहला आप देखते हैं डिलीट ऑप्शन की चोन करके। अगेन बेटा तुसी होम टैब से क्लिक करना है। हुण तुहानू सब नू पता चल गया होगा कि होम टैब बहुत ज्यादा वरत्या जाता है। इस दे विच अपने को डिलीट ऑप्शन हैगी है। जिवें ही तुसी इस डिलीट ऑप्शन से क्लिक करोगे, एक चार ऑप्शन तुहाडे कोल होर खुलणगियां। तुसी लास्ट वाली ऑप्शन जो कि डिलीट शीट है उस पर क्लिक करना है। जिवें ही तुसी इस ऑप्शन से क्लिक करोगे, जिस शीट विच तुसी काम कर रहे होवोगे वह शीट तुहाडी की हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका बेटा माउस दे वरतों करके है। इस दे नाल की है कि जिहड़ी शीट नूं तुसीं डिलीट करना चाहते हो, इस एग्जाम्पल दे विच मैं शीट एक नूं डिलीट करन जा रहा बेटा, जिवें ही इस शीट दे उपर मैं राइट क्लिक करांगा तुहानूं सामने कुछ ऑप्शन नजर आणगियां। इस दे विचों तुसीं डिलीट ऑप्शन की चोन करनी है। जिवें ही तुसीं इस डिलीट ऑप्शन ते क्लिक करोगे, तुहाडी चुनी हुई जिहड़ी शीट है वह की हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तुसीं फिर उहनां दे काम नहीं कर पाओगे। इस तो बाद बेटा आपू जो आप एक्सल च काम करते हैं, आपू रो ते कालम की चौड़ाई या उचाई बदलने च बहुत लोड़ पैंदी है। क्यों? कई बार डाटा अपना वध हुंदा है, इसलिए आपू कॉलम की चौड़ाई बदलनी पैंदी है। आपू कई बार पता नहीं हुंदा कि चौड़ाई सैट करिए कि अपना सारा डाटा दाखिल हो जाए। यह सारा काम करन दे लई आपू इन्हां ऑप्शन बारे पता होना चाहिए है कि रो की उचाई किवें सैट करनी है, कॉलम की चौड़ाई किवें सैट करनी है। अगले टॉपिक्स दे विच आपां ये दोवें चीजा ही पढ़ांगे। जदों असीं खाली वर्कबुक खोलते हाँ तो सैल डिफॉल्ट साइज से सैट हुंदा है। सैल की हुंदा है? डिफॉल्ट साइज से सैट हुंदा है। इसलिए कई बार साडा टाइप किया डाटा पूरा नजर नहीं आता, अपना डाटा कई बार सैल तो बाहर नजर आता है, छुप जाता है। यह सारे कामों नूं सही तरीके नाल सैट करन दे लई सानूं इह ऑप्शन बारे जानकारी होनी बहुत जरूरी है। असीं इन्हां सैलां दे साइज नूं मॉडिफाई कर सकते हाँ। इस भाग विच असीं रो दी उचाई ते कालम दी चौड़ाई नूं बदलन बारे सिखांगे। सब तो पहले आपां देखांगे कालम दी चौड़ाई नूं मॉडिफाई करना। सब तो पहले अपने माउस दा करसर कालम हैडिंग दे नाल नजर आ रही कॉलम लाइन ते लैके जाओ। हाँ बेटा, कॉलम लाइन है अपने को, किसी भी कॉलम के उपर तुसी, तुहानू मैं तीर दे नाल निशान दिखा रहा वा, यह की है कॉलम लाइनस ने। जिवें ही तुसी अपना इस लाइन के उपर करसर लैके आओगे, यह डबल क्रॉस दे विच की हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तुसी चित्र विच देख पा रहे हो कि जिहड़ा एरो है एक डबल क्रॉस दे विच की हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। माउस का खब्बा बटन दबा के तुसी जे सज्जे पासे नूं ड्रैग करोगे, यानी कि जे मैं इस डायरेक्शन वाल लैके जावांगा तो कालम की चौड़ाई वध जाएगी, जे मैं खब्बे पासे वाल ड्रैग करांगा तो कालम की चौड़ाई घट जाएगी। तुसी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सैल की चौड़ाई नूं घटा या वधा सकते हो इस तरीके दे रहे। कई बार आपां नूं की हुंदा है, तुसी सैल दे विच नंबर दाखिल किए हुंदे ने, लेकिन वह नंबर आपां नूं पूरे नजर नहीं आते, आपां नूं उहनां विच सिर्फ हैश लिखा नजर आता है। यह क्यों हुंदा है? इसका मतलब की है कि कालम की चौड़ाई सैल विच लिखे कंटेंट नूं दिखाउण लई फिट नहीं है, यानी कि सैल का कंटेंट वड्डा है लेकिन सैल की चौड़ाई की है, घट है। इस कंटेंट नूं देखण लई सानूं की करना पैंदा है? कालम की चौड़ाई नूं वधाना पवेगा ता जो आपां उस डाटे नूं प्रोपर तरीके नाल देख सकीए। जिवें ही तुसीं माउस की वरतों करके, तुहानूं मैं दस्सिया ही है, कॉलम लाइन से आपका माउस का करसर लेके जाओ, क्रॉस चेंज हो जाएगा, हल्का जो सज्जे पासे ड्रैग करो, तुसी देखोगे कि तुहाडे जिहड़ा डाटा है तुहानू स्पष्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। कालम की विड्थ नूं तुसी खास माप नाल भी सैट कर सकते हो, यानी कि एक फिक्स साइज दे के, तुसी नहीं चाहते कि माउस का ड्रैग करना है, तुसी एक फिक्स साइज भी दे सकते हैगे हो अपने कॉलम नूं, एक प्रोपर साइज, एक प्रोपर विड्थ उसकी की कर सकते हो, सैट कर सकते हो। जिस कॉलम की तुसी विड्थ नूं मॉडिफाई करना चाहते हो उस कॉलम नूं पहले आपां नूं चुनना पवेगा। तुसी माउस का पॉइंटर उस कॉलम लैटर के उपर लैके जाओ, वह इस एरो दे विच चेंज हो जाएगा। जिवें ही तुसी माउस का खब्बा बटन दबाओगे उस सारा का सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, तुसी चित्र दे विच अपने सामने देख सकते हो। इस तों बाद तुसी बेटा की करना है, होम टैब के फॉरमैट बटन से क्लिक करना है। जिवें ही तुसी इस ते क्लिक करोगे तुहाडे सामने कुछ ऑप्शनस नजर आणगियां, इन्हां विचों तुसी कीहड़ी ऑप्शन बेटा चुननी है? कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ ऑप्शन ते तुसी की करना है? माउस का बटन दबाना है।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਦਬਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਵਿਡਥ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੌੜਾਈ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਟੋ ਫਿਟ ਕਾਲਮ ਵਿਡਥ। ਆਟੋ ਫਿਟ ਕਾਲਮ ਵਿਡਥ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੀ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਣ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈੱਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਟੋ ਫਿਟ ਕਾਲਮ ਵਿਡਥ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੀ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆ ਬੇਟਾ ਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸਰ ਕਰੋਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਬਟਨ ਛੱਡੋਗੇ ਐਕਸਲ ਬਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮਾਪ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰੋ ਦੀ ਹਾਈਟ ਫਿਕਸ ਰਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੋ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਰੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਚੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕਰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਾਊਸ ਦਾ ਕਰਸਰ ਇਸ ਬਲੈਕ ਐਰੋ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਬੇਟਾ ਰੋ ਹਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਟੋ ਫਿਟ। ਆਟੋ ਫਿਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ, ਆਟੋ ਫਿਟ ਰੋ ਹਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਟੋ ਫਿਟ ਰੋ ਹਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਰੋ ਦੀ ਹਾਈਟ ਉਸਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
कि पहले आपां नूं सेकंड रो दे विच अनाम क्लियर नजर नहीं आ रहा सी, लेकिन इस ऑप्शन की वरतों करके एक्सेल ने उसके टैक्स के मुताबिक उसकी हाइट नूं की कर दिता, सैट कर दिता। धन्यवाद बेटा, उम्मीद करता तुहानूं लैक्चर बहुत पसंद आया होगा। बाकी के टॉपिक आपां अगले लैक्चर के विच कवर करांगे।